यारी ये एक्सेसरी गाड़ी के साथ है, ये नहीं, ये एक्सेसरी हमने रखी हुई है क्या मारने के लिए? ये मारने के लिए नहीं है ये, हाँ मारने के लिए है वैसे। मैंने यहाँ से तो मेरे पैर लगा, मैंने कहा ये क्या चीज दिख रही है, वो है बटन भी है टेजर भी है, देख के लगाना लीजिएगा करंट से। मैं फंसा हूँ, नया थंबनेल बनाया फरहान साहब ने, मेरा हैशटैग चल रहा है ट्विटर के ऊपर, नया थंबनेल बना देना है फरहान साहब ने, अस्सलामुअलैकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांजर, मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आज हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं, इनको आप लोगों ने टेक रिव्यूज करते देखा होगा, इनका चैनल है वीडियो वाली सरकार है, वैसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लें जाके, और नीचे लगे हुए लिंक पे आप जाके क्लिक भी कर सकते हैं। टेक रिव्यूज करते हैं, आपको आने वाले मोबाइल फोन के बारे में रिव्यू देते हैं, तो आज हमने कोशिश की है कि इनसे पकड़ के इनकी गाड़ी का रिव्यू लें कि इन्होंने गाड़ी क्यों ली, कैसे ली। इनके पास फॉर्च्यूनर जी है, फॉर्च्यूनर का बेस वेरियंट लॉन्च हुआ था ये, वो है। सो बिलाल, ये आपने गाड़ी कब ली? ये मैंने दिसंबर में लिया, दिसंबर 4 को डिलीवरी हुई है। दिसंबर 4, 2020? बिल्कुल। अच्छा, ये कोविड का तोहफा है। कोविड का तोहफा। अच्छा, सो हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं, आपका परचेज डिसीजन जब आप गाड़ी लेने जा रहे थे, आपके जहन में एक बजट था, एक स्पेसिफिक गाड़ी थी, या आपने सिर्फ यही गाड़ी देखी कि मैं यही गाड़ी लेनी? यार मेरा जो डिसीजन था ना वो बड़ा लंबा चौड़ा डिसीजन था। ठीक है। तो हुआ ये है कि मैं इससे पहले जो चला रहा था, मैं तो मेरी पहली गाड़ी जिंदगी की जो मैंने खरीदी वो अकॉर्ड थी। ठीक है। CL9। सही। उसके बाद मैंने ले ली BMW 320i। तो मैं वो बंदा हूँ वो जो जिसका गाड़ी का एक्सपीरियंस हो रहा है कि खराब तो रहती है ना, मतलब हफ्ते में 2 दफा खराब तो होनी है। ठीक है। तो उन दोनों के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने लोकल गाड़ी लेनी है। ठीक है। और लोकल में जो मेरा बजट था वो अराउंड 5 मिलियन के करीब था टू स्टार्ट विद। ठीक है। तो उस रेंज में मैंने देखनी शुरू की, तो क्रॉसओवर्स की बारिश हो रही थी 5 मिलियन में, तो 5 मिलियन में क्रॉसओवर की बारिश हो रही थी, बट आई डिडंट वांट टू गो टुवर्ड्स किया क्योंकि मैंने ये बुक कराई है। सही। तो उस पॉइंट पे जो किया या हुंडई थे ये आ रहे थे या उनकी बुकिंग्स ऑन हुई थी, भी रीसेंट टाइम था। ठीक है। तो फॉर मी कि मैं कब, मतलब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था, मेरे वो एक्सपेरिमेंट वाला टाइम मैंने गुजार लिया था विद ऑल दैट ना। मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि बस मैं गाड़ी लूं और मैं भूल जाऊं कि मैंने गाड़ी ली है, क्योंकि मेरा ट्रैवल फैसलाबाद से लाहौर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा 2015 मॉडल। ठीक है। तो पाक व्हील से भी 2-3 गाड़ियां देखी, एक लाहौर में देखी, एक फैसलाबाद में देखी। ठीक है। गाड़ियां मुझे मतलब इंटरनली जो उनका सारा इंटीरियर वगैरह था वो पसंद आ गया, बट जब मैंने उसको मतलब यूज किया ना तो मुझे वो, मैं BMW से आ रहा था, ऑल्दो मेरा पुराना मॉडल था लेकिन मुझे फीचर्स काफी कम लगे ना। ठीक है। तो वो पॉइंट था। उसके बाद अब्बा जान ने काफी ज्यादा पुश किया कि अब ले ही रहे हो तो नई ले लो। सही है। तो उस टाइम पे मुझे ये जी वेरिएंट का भी पता लगा कि ये जी वेरिएंट आ रहा है। सही है। तो हम इसके पीछे लग गए और इसको हमने बुक करा दिया एंड देन वी आ गई। अच्छा, प्राइस वेरिएंस तो काफी थी, 50 से शुरू हुए और तकरीबन लैंड की 8 मिलियन पे जाके। बेसिकली हुआ ये था कि जो अब्बा जान ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्बा जान ने कहा कि गाड़ी लेनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बेसिकली स्ट्रेट अप ये बात की कि यार अबू की सर्जरी होने वाली थी, बाईपास सर्जरी, तो बेसिकली डील ये हुई कि वो बाईपास करवा लेंगे अगर मैं ये ले लेता हूँ। तो वो जो डिफरेंस था वो अबू का बाईपास क्रॉस करके हमें लेके गया। अच्छा। तो उनसे डील ये हुई कि मैं ये बुक करा रहा हूँ, आप बाईपास करवा लें। So, in all, मुझे समझ आया कि एक पीस ऑफ माइंड था जिसको आप ढूंढ रहे थे। पहले आपने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे इंपोर्टेड यूज गाड़ी पे, बेशक अच्छी गाड़ी थी लेकिन आपको उसकी रिलायबिलिटी का इश्यू था, तो आपने कहा मुझे कुछ रिलायबल लेना है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं लेके भूल जाऊं। ठीक है। अच्छा, अब आपने जब ये फॉर्च्यूनर लिया, इसका जो जी वेरिएंट है, अगेन क्योंकि हम 5 मिलियन से स्ट्रेच करते ऊपर आते, क्या ये वजह थी जी के ऊपर लैंड करने की, या आपने जी वर्सेस नॉर्मल जो है वो वेरिएंट, जो वी वेरिएंट है उसको कंपेयर किया और आपने कहा मुझे नहीं लगता वैल्यू टू मनी है कि मैं इतने पैसे खर्च करके इतना डिफरेंशियल चीजें मिल रही है मुझे? सिग्मा वॉज आउट ऑफ माई रेंज। सही है। सिग्मा डीजल वाला, यूजर के लिए बता दूँ, सिग्मा डीजल को कहते हैं। ठीक है। वो ऊपर था तो वो आउट ऑफ रेंज था, वरना सिग्मा की अगर मेरे पास बजट होता तो मैं सिग्मा शायद ले लेता। ठीक है। बट एज फार एज द वी एंड जी इज कंसर्न्ड, तो वो मैंने डिसीजन इसीलिए लिया कि आई थॉट कि इतने डिफरेंसेस नहीं है एसेंशियली कि वी और जी के दरमियान में आप मतलब जी को ना सिलेक्ट करें। ठीक है। और दूसरा मैंने उसका इंटीरियर देखा वी का, तो वो जो कलर था उसका वो टैन सा, वो कलर भी मुझे ऑरेंज सा कलर मुझे वो भी नहीं पसंद आया। सही है। तो फिर इसलिए जो मेरा सिलेक्शन था वो जी की तरफ गया। ठीक है। अच्छा, और बेसिक जो डिफरेंस है हम यूजर्स के लिए बताते रहते हैं कि जो वी और जी है उसका डिफरेंस ये है, एक तो इसके अलॉय व्हील्स का फर्क है, हेडलाइट्स जो है इसकी फर्क है, हेडलाइट्स फर्क है, फॉग लाइट्स का भी फर्क है। ठीक है। हेडलाइट्स के अंदर बेसिकली बायज़ीनॉन नहीं है, सेल्फ लेवलिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। और जो इसका इंटीरियर है वो लेदर नहीं है, फैब्रिक है,
अच्छा फैब्रिक से वैसे मैं तो ज्यादा खुश रहता हूँ, पाकिस्तान में 8-9 महीने तो गर्मी रहती है, बिल्कुल 3 महीने जो है वो आपको लेदर शायद एंजॉय करें, बाकी 8-9 महीने तो इतना गर्म होता है कि आप उसे बैठ नहीं सकते। प्लस इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है, मैं आज पहली बार इस वाले वेरिएंट में बैठा हूँ और बड़ा मजे का है, और इसकी जो फील है बड़ी अच्छी है। मुझे मतलब ये तो नहीं था ऑनेस्टली कि मतलब लेदर गर्म होता है, क्योंकि मैं उतना ज्यादा कार वाली साइड पे था नहीं, लेकिन मैंने तो बस कलर को देखा तो मुझे कलर पसंद आया, लाइक ये ठीक है, सही है। तो डिफरेंशियल तकरीबन 6-7 लाख रुपए का था दोनों वेरिएंट, 6-7 लाख का था, और तकरीबन जो रजिस्ट्रेशन थी उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था, वो तो वैल्यू ऑफ द कार के लिए। अच्छा अब आपने फॉर्च्यूनर सेलेक्ट कर लिया, जो यूएल हमारे सवाल होते हैं कि आपको इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में कोई, अभी तक कितनी चला ली आपने? यार ये अभी तक 4,000 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, क्या फ्यूल एवरेज देती है? मेरा इस पे ज्यादा जो कम्यूट रहा है वो फैसलाबाद टू लाहौर रहा है, तो लॉन्ग पे बहुत चली है, और है। इसकी लॉन्ग पे 10 की एवरेज है, सही है, अभी भी 9.4 शो कर रही है। ठीक है, अच्छा और पावर कैसी? बिकॉज ये जो 2TR इंजन आता है इसके अंदर, जो पहले भी आता था बट इस वाले के अंदर इसकी इन्होंने गियर रेशियो वगैरह चेंज की थी, जब हमने रिव्यू किया हमने बताया था कि मेरा तो ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में कि पहले वाले से बहुत बेहतर है, सो आपको इसकी पिक कहीं अंडर पावर तो नहीं लगी? अच्छा मैंने 2017 तो नहीं चलाया, सही है। जो उससे पिछला इससे शेप आती थी वो मैंने चलाया, और उसमें और इसमें फर्क है, हाँ, काफी फर्क है, पिक का फर्क है। काफी लोग मुझे कह रहे थे कि यार बहुत लैग है गाड़ी में, लेकिन मुझे उतना लैग फील नहीं हुआ। नहीं, इस वाले वेरिएंट में नहीं है, जो पहले वाला था ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2015 वाला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी और उसकी टॉप स्पीड में भी फर्क है, बहुत फर्क। अच्छा ओवरऑल इसके अलावा अगर देखा जाए, आपने जब गाड़ी ली तो इसके रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस पड़े? इसकी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पड़े हैं अराउंड 2 लाख के करीब, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पड़े हैं, सही है, और आई थिंक 2 लाख ही टैक्स था। हाँ जी, तो ये टोटल जो ऑन रोड मुझे पड़ी है वो पड़ी है 87 की, जिसमें मैंने 2 लाख आई थिंक इंश्योरेंस का भी दिया है। ठीक है, सही। अच्छा कोई ऐसी चीज़ जब आप इनफैक्ट जब इंसान गाड़ी खरीद रहा होता है वो सर्च कर रहा होता है ऑप्शन, आपने बताया वो आपने 8.7-8.5 मिलियन चले इंश्योरेंस को निकाल देते हैं, 8.5 तो फिर भी खर्चा है खर्चा, तो उसको खर्चने के बाद आपको कोई चीज़ फील होता होगा यार इसमें कमी है, ये चीज़ होनी चाहिए थी, या मेरी विश लिस्ट है कि इसमें ये भी होता ये भी होता, सनरूफ और बस? सनरूफ एक ऐसी चीज़ है, लाइक आई नेवर यूज सनरूफ, सही है, लेकिन ना ये वो वाला फीचर है जो ऐसे लग रहा है कि जैसे टोयोटा टीज कर रही है ना ये यार मतलब देना नहीं है हमने फॉर्च्यूनर में देना, एंड आई पर्सनली बिलीव कि वो शायद इसलिए नहीं दे रहे कि वो एक पराडो स्पेसिफिक फीचर किया हुआ उन्होंने कि वो चलो एक लेवल ऊपर रखा हुआ है। आई डोंट नो बैक एंड पे क्या उनकी है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि शायद उन्होंने ये सोचा हुआ है कि हम ये जो फीचर है पराडो में देंगे तो उसकी वजह से उन्होंने इसमें नहीं दिया। सनरूफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं? सनरूफ के अलावा मुझे कुछ मिसिंग है। आप टैक रिव्यू करते हैं इसका, इसका रिव्यू करके बताएं कैसा है ये? ये मुझे बहुत फिट लगा, इनफैक्ट इनने ये जो साइज है इसका वो भी चेंज किया। ये अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉइड आया है वो वाला, ये लेटेस्ट जो एंड्रॉइड आया इसमें एप्पल कार प्ले है। तो चीटिंग है ना, आम बंदों को तो वो नहीं मिला हुआ, तो एंड्रॉइड वाला मैंने वही सुना था, लास्ट टाइम मैंने फरहान साहब को बताया था कि चेंज आ रहा है एंड्रॉइड में, बिकॉज जो पिछले वाला यूनिट था उसमें मुझे थोड़ा इशूज थे। सो हाउ इज इट, एफिकेसी कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है? खासतौर पर मैंने देखा पाकिस्तानी गाड़ियों में जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना तो आपकी अगले से बात की भी लड़ाई होती है कि उसको आपकी आवाज जाती नहीं। नहीं, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी में बहुत अच्छा है। ठीक है, फीचर वाइज साइड से मतलब एंड्रॉइड का अगर आपने एंड्रॉइड प्ले यूज करना तो यू हैव टू कनेक्टेड वाया वायर, वो चीज मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी कि मतलब अच्छा, एंड्रॉइड ऑटो के लिए, एंड्रॉइड ऑटो के लिए, वरना इस पॉइंट पे आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में जैसे आपस की बात है, जितनी गाड़ियां आ रही हैं अभी तक जिनका मैंने रिव्यू किया सब में बाय वायर ही है, तो वो मुझे मतलब थोड़ा सा ऑफ लगा क्योंकि बारिंग ग्लोरी 580 प्रो उसके अंदर वायरलेस आया, बाकी सब में अभी तक मैंने वायर वाला एप्पल कार प्ले जो है वो वायर के बगैर चल जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। अच्छा इसमें वो कूल बॉक्स है यहाँ पे देते थे, वो है इसमें? हाँ, कूल बॉक्स की एफिकेसी आपको लगता है कि कूल बॉक्स है कि सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? ऑनेस्टली मैं चेक नहीं कर सका क्योंकि मैंने ली दिसंबर में है, तो दिसंबर में ठंडी चीज क्या रखेंगे, कोई थी नहीं ऐसी कि मैं ठंडी करूं, सही है, और ना ही एसी चल रहा था क्योंकि इसके अंदर एसी के इवेंट्स हैं, तो एसी बेसिकली इट्स नॉट अ कूल बॉक्स। मैं ये कहता हूं कि ऐसा है कि आपने कोई चीज रखनी है तो एसी की जो हवा है वो जा रही है तो उसको थोड़ा ठंडा रखेगा, कंप्रेसर नहीं है उसके अंदर, इट्स नॉट अ फ्रिज, इट्स नॉट अ फ्रिज। अच्छा इसके यहाँ पे और जो बाकी फीचर है, मैं पिछले दिनों एक दोस्त की गाड़ी में ट्रेवल करता था, मुझे बड़े मजे का लगा था, यहाँ पे पीछे स्विच भी था, आपने फोन चार्ज कर लिया, 12 वोल्ट का चार्जर पूरा था, पूरा पूरा, बिकॉज नए यूएसबी सी नहीं आती वो केबल, हाँ, लग नहीं, मेरा लैपटॉप 96 वॉट पे चार्ज होता है, इसकी लिमिट 100 वॉट है, तो अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सही है, तो बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। हाँ मैं लैपटॉप लगा लेता हूँ क्योंकि मैं डेली अपलोड करता हूँ, सही है, तो मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ और मैंने अपलोड भी करनी है, सही है, तो लैपटॉप यहाँ लगा के मैं एडिटिंग करता रहता हूँ बैक पे बैठा हुआ, वो बड़ी हेल्पफुल चीज है और वो बड़ा अच्छा चलता भी है। अच्छा ओवरऑल गाड़ी की जो कम्फर्ट है, जो आपने हाईवे में बहुत चला रहे हैं तो कम्फर्ट हैंडलिंग कैसी है? यार मुझे इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी लगी है, मैंने कुछ दोस्तों से पूछा तो वो कह रहे थे कि पराडो इज मच बेटर। अब मैंने पराडो उतनी लॉन्ग ड्राइव पे चलाई नहीं है तो मैं मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कहीं पे ये नहीं हुआ कि मुझे कमर की दर्द हुई हो
या कोई ऐसा मसला, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये बात की है फॉर्च्यूनर यूजर्स ने बिफोर बाइंग दिस कार कि भाई इसको जब आप लॉन्ग पे लेके जाते हो तो आपकी कमर में दर्द होती है, लेकिन मेरा मतलब हफ्ते में 3 दफा ट्रैवल कर रहा हूँ मैं लाहौर से फैसलाबाद, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं आया। नहीं, वो कई कमजोर कमर भी होती हैं और कई नाजुक कमरें भी होती हैं जनरली लोगों का है वैसे फीडबैक फॉर्च्यूनर की सीट्स के बारे में कि थोड़ी स्टिफ है। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो सीट की फोमिंग है वो थोड़ी फर्क होगी, इंपोर्टेड गाड़ी में वो भी फर्क होता है, प्लस जो प्राडो से कंपैरिजन लोग करते हैं वो वैसे भी गलत है, बिकॉज इन दोनों गाड़ियों के चेसी का जो है फॉर्मेशन वो भी फर्क है और दोनों गाड़ियों के जो फील है ऑब्वियसली वो फर्क है, सो इट वोंट बी अ जस्ट कंपैरिजन। और प्राइस भी अगर आप प्राडो देखें तो डबल से ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, 7 सीट जो है उसकी प्रैक्टिकलिटी, आपको 7 सीट की जरूरत है कि आपके लिए एडेड है? मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आपके घर में एक चीज़ आ जाती है तो फिर उसकी ज़रूरत भी बन जाती है, वो वाला सिनेरियो था। सही है। सीट यूज़ हुई हैं और लॉन्ग पे नहीं, मतलब लॉन्ग पे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, लेकिन एज अ यूटिलिटी मेरे हिसाब से ना होने से बहुत बेहतर है कि आपके पास वो सीट्स मौजूद हों, क्योंकि आप मतलब फिट कर सकते हैं लोगों को वहाँ पर। ठीक है, थर्ड रो को छोड़ें, अगर ये पहली दो की बात करें, आप दोस्तों के साथ अगर फिरते हैं तो ये पिछली सीट के ऊपर बैठते हुए कोई कितने लोग आराम से ट्रैवल कर लेते हैं गाड़ी में? पिछली सीट्स पे आप आराम से 3 बंदे बिठा सकते हैं, 5 लोग बड़े आराम से ट्रैवल, कोई इसमें कमर सम वो नहीं है कि यार लेग स्पेस नहीं है, हेड स्पेस नहीं है, कोई मसला नहीं है, सर हेड स्पेस बहुत अच्छी है। अच्छा, एक कोई नॉन इश्यूज आपने, क्योंकि आप खुद रिव्यूअर है तो शायद आपने रिव्यू देखे ही हो गाड़ी लेने से पहले? नॉन इश्यूज तो ऐसा नहीं थे, बहुत ज्यादा कंप्लेन आती थी कि इससे मतलब इसी शेप के अंदर जो वेरिएंट था आई थिंक 2017 तक, उसमें पुश स्टार्ट वगैरह नहीं थे और इस तरह के इश्यूज थे, और कुछ लोग कहते थे कि दरवाजे में पानी भर जाता है। हाँ। मैंने बल्कि आपका ही रिव्यू पानी आ जाता है, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी वाला गेम है, लेकिन इसमें मैंने उसके बाद में जब धुलवा रहा था पहली बार तो मैं सोच रहा था कि पानी भरेगा, लेकिन नहीं भरा, तो आई थिंक या तो उन्होंने फिक्स कर दिया या वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट के साथ था। अच्छा, इसमें पुश स्टार्ट है? पुश स्टार्ट है इसमें। अच्छा, इस बेस वेरिएंट में भी पुश स्टार्ट, यार ये तो कमाल कर गए। इसके अलावा रीसेल के बारे में कोई आइडिया है आपको कि इस गाड़ी की रीसेल कैसी है? वैसे हम बात कर रहे थे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की टोयोटा और टोयोटा के बारे में। सर रीसेल का तो मुझे आइडिया तब हुआ जब मैं लेने गया ना टोयोटा, तो जिस टाइम मैंने पुरानी फॉर्च्यूनर 2015 मॉडल का रेट लेना शुरू किया तो वो 5 मिलियन के ब्रैकेट में खेल रही थी, तो उस हिसाब से मुझे क्लियर हो गया कि रीसेल तो बहुत अच्छी। टोयोटा ब्रांड का ये फायदा है कि पाकिस्तान में टोयोटा ब्रांड जो है वो समझ लेंगे। अच्छा, आई बिलीव कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैंने इंटरनेशनली भी कुछ शोज देखे हैं कि जब रिलायबिलिटी का स्कोर आ रहा था टोयोटा नंबर 1 नंबर 2 पे ही होती है, कहीं पे भी हो। शुक्र है मेरे अलावा भी कोई कह रहा है, वरना लोग कहते हैं सुनील साहब टोयोटा के पेड़ ये सर मसला ये आपके मैं मतलब मैं तो टेक रिव्यूअर हूँ ना, मुझे गाड़ियों का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ भी होता है, मैं एक प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लोगों का दिल ये होता है कि आप वो ओपिनियन दें जो उनको चाहिए। ऐसे ही मतलब हर बंदे का दिल ये होता है, अच्छा मैंने अगर ये गाड़ी ले ली है ना, मैंने अगर 50 लाख या 60 लाख खर्चा है तो सुनील भाई इसको अच्छी कहे, मतलब कहेंगे भाई तूने क्या डिसीजन ले लिया। बिल्कुल ऐसे, तो ये मसला है और ये हर इंडस्ट्री में जहाँ पर रिव्यूज आते हैं ये मसला रहता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसकी जो सर्विसिंग वगैरह है वो आप टोयोटा से करा रहे हैं? इसकी सर्विसिंग मैं टोयोटा से ही करवा रहा हूँ, अभी तक एक वो जो प्रीलिमिनरी चेक होता है आई थिंक 1000 किलोमीटर के बाद होता है वही करवाया। बाकी आपने कुछ की वर्किंग की है कि जो इसके नॉर्मल ऑयल चेंज वगैरह वो क्या कॉस्ट करता है? आई थिंक 5000 के करीब पड़ेगा इसका जो ऑयल चेंज है। 5000 रुपए में? हाँ 5000 ना करें यार, इतना ही है फिर तो बड़े आम गाड़ी जैसा ही है, मतलब ऐसा कोई नहीं कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली बात नहीं, नहीं कोई ऐसा सीन। स्टीयरिंग पे आपको ये नजर आ रहे हैं पैडल शिफ्टर्स, इनकी एफिकेसी कैसी है यूज किए? डाउन शिफ्ट पे बहुत अच्छे हैं जो अप शिफ्ट है। आपने मेरा रिव्यू देखे तो नहीं छाप रहे हैं? नहीं ये एक्चुअल में ऐसे ही बात की थी। अच्छा आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका डाउन शिफ्ट तो फॉरन कर जाता है। अगर आपने यानी स्पीड कंट्रोल करनी और गियर से करनी तो डाउन शिफ्ट बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। अप शिफ्ट में लैग, अप शिफ्ट में लैग है। ठीक है, यूज किया वैसे करते हैं? नहीं मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा स्टेलाइट किस्म का ड्राइवर हूँ, 120 पे क्रूज कंट्रोल लगाता हूँ और सुकून से जाता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्रूज कंट्रोल है, मुझे याद है इसका क्रूज 110 से ऊपर लग जाता है, बिकॉज़ जापानी गाड़ी और प्राडो का 110 से ऊपर नहीं लगता, क्रूजर का भी नहीं लगता, जहां मर्जी लगाए। ठीक है, ये उसके साथ एक वॉइस कमांड भी है क्या? एक वॉइस कमांड का फीचर मौजूद है लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया वो, अब मुझे मतलब मेरी तरह भी मेरा ख्याल है स्टीयरिंग पे ज्यादा वो सिर्फ स्टीयरिंग का काम, स्टीयरिंग से स्टीयरिंग का काम लेते हैं, वो काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पहले आप बटन दबाएं फिर उसको बोलें फिर वो उसको प्रोसेस करे, उतनी देर में आपने अगर जो भी करना। और मेरा तो यही सवाल होता है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी बाएं जो यहाँ तक नहीं जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, पिछले दिनों एक गाड़ी का रिव्यू करते कि जी उसके अंदर आई कमांड आई है, जितनी देर में बोलना है कि भाई सनरूफ खोल दे, बाह मेरी टूटी थी नहीं मैं खोल सकता। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गिमिक्स डाल देती है। वो मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल फीचर्स के लिहाज से देखें। अच्छा, इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, डुअल जोन है कि सिंगल डुअल जोन? इस तरह है कि एक फ्रंट का जोन है एक बैक वालों के लिए। ठीक है, बैक का लेदर, बैक का टेम्परेचर आप अलग कर। ये गर्मियों में आपको बड़ा हेल्पफुल होगा, खासतौर पर जो थर्ड रो है ना
उसके लिए तो मुझे 50 डिग्री जब होता है ना, तो यहाँ से अगर खाली हवा जानी तो वहाँ पहुँचने तक जब आप डेस्टिनेशन पे शहर पे पहुँचते तो बेचारे को हवा ही नहीं पहुँची होती। एक और चीज़ जो जी वेरिएंट में इनने मतलब इसके साथ चेंज किया ना, वो ये था कि पहले जी वेरिएंट में ये जो ऑटो है ना, ये सारे ऑटो सिर्फ ड्राइविंग सीट पे होते थे, बाकी नहीं होते थे। लेकिन अब इनने 2020 में जब ये स्क्रीन चेंज किया तो इनने सारे जो डोर्स है ना उसमें लो वेरिएंट में भी ऑटो कर दिया। अच्छा, अभी और हाँ, उसमें दो तीन और चेंजेस आई, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ। तो जी वेरिएंट के अलावा जो वी वेरिएंट है उसमें दोनों अगली सीट इलेक्ट्रिक कर दी है उन्होंने, पहले एक थी, तो इस समय साइलेंट फेसलिफ्ट टाइप चीज की है। और कितने डिलीवरी टाइम आपको मिला था, आपको दिसंबर में गाड़ी मिली तो आपने बुकिंग कितने पहले कराई थी? अच्छा, मतलब बात यह है कि मेरी बुकिंग नवंबर की बुकिंग थी, मुझे दिसंबर में मिली है। लेकिन वो सीन ये था कि मतलब मेरे पीछे से फैमिली बिजनेस, मतलब फादर जो थे वो गाड़ियों का बिजनेस काफी ज्यादा करते रहे थे। अच्छा अच्छा। तो नाउ तो वो मेरी वेबसाइट वाला हैंडलिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका गाड़ियों का था, तो वो थोड़े बहुत फेवर्स भी कॉल इन किए थे, तो हम जाके वो गाड़ी मतलब स्वैप हो गई, दोस्त की एक गाड़ी आ रही थी तो ठीक थी। लेकिन वैसे जी का भी टाइम बहुत ज्यादा है, लाइक इस पॉइंट पे तो आई थिंक अभी जी की बुकिंग वो ले ही नहीं रहे। अभी तो फॉर्च्यूनर की मेरा ख्याल है बुकिंग मार्च तक सारे वेरिएंट की क्लोज है। टीआरडी भी आ गया। टीआरडी देखा था? टीआरडी मैंने देखा था, टीआरडी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन टीआरडी रेंज से बाहर था क्योंकि वो सिग्मा में आ रहा था। सही है, तो वो मेरी रेंज से बाहर हो रहा था। तो प्राइसेस इतनी बारी चेंज होती है, एक आम यूजर को तो मेरा ख्याल है पता लगता, मुझे अब तो खुद ही याद नहीं रहता, साल में 3 या 4 दफा चेंज होती है प्राइसेस। सो व्यूज, अगर आप भी न्यू फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक टूल बना दिया ऑन प्राइस कैलकुलेटर का। मैंने वही टूल यूज किया था। अच्छा। और मैं प्राइसेस मतलब गाड़ी की जो प्राइस है वो तो आप वेबसाइट से जाके देख लेते हैं। सही है। जो ऑन रोड प्राइस है ना, उसमें बड़ा फर्क आ रहा होता है कि आप किस जगह पे रजिस्टर करवा रहे हैं और वो टैक्स कितना है, किस जगह पे करा रहे हैं। फिर कई कंपनियां फ्रेट डालती है, कई एडवर्टाइजमेंट प्राइस में नहीं डालती। मैं इस चीज में एक दफा फंस चुका था पहले, मतलब मैंने अपने माइंड में बंदे ने एक एस्टिमेट बनाया होता कि यार इतने पैसे में खर्चूंगा ये गाड़ी आ जाएगी ना, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वो प्राइस देखते हैं, लाइक हाँ इतने पैसे में खर्चूंगा। सही है। लेकिन उसकी ऑन रोड प्राइस में काफी फर्क है, टैक्सेस लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, उसके अलावा भी काफी हिडन चीजें आ रही हैं। इसलिए हम लोगों ने बेसिकली बनाने का मकसद था, मैं बता रहा हूँ, कोई कंपनी आपको बताती है एक्स शोरूम प्राइस, कोई एक्स फैक्ट्री प्राइस, फिर हर गाड़ी के इंजन के लिहाज से फाइलर नॉन फाइलर फिर रजिस्ट्रेशन, सो उस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको ऑन रोड प्राइस एक मिल जाती है। अगर आप भी खरीदना चाह रहे हैं गाड़ी या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं फॉर्च्यूनर के डिफरेंट वेरिएंट्स का, तो पार्क व्हील्स के कंपैरिजन टूल को भी देख सकते हैं। अगर रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो यूजर व्यू आपके लिए अभी हाजिर है। इसके अलावा एक्सपर्ट रिव्यू जो है उसका लिंक भी हम साथ लगा देंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा बिलाल, इसके सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें एयरबैग्स कितने हैं? वही 3 एयरबैग्स हैं जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं। कितने कहाँ कहाँ हैं? एक, दो, तीन। ब्रेक्स कैसी हैं? बिकॉज ये जो नई आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी है ना, जिसको जो जहाँ पहले ये फॉल करती थी प्राइस में, अब तो खैर ऊपर चली गई, उन सब की ब्रेक से मुझे बड़ा इशू है। नहीं, इसकी ब्रेक में मुझे कोई इशू नहीं आया, बल्कि मैंने 2008 पराडो चलाई है। सही है। मुझे उसमें थोड़ा सा ये फील होता है कि आप हाई स्पीड पे जाके जो ब्रेक मारते हैं ना, लगता है कि आप मतलब बस को रोक रहे हैं। सही है। तो वो चीज इसमें नहीं मुझे फील हुई, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इसको नॉर्थ में ले गए कभी? नहीं, मैं नॉर्थ में नहीं इसको लेके जा सकता। मेरा पता है कि 4x4 नहीं है। मुझे पता है ये 4x4 नहीं है, लेकिन मतलब लोग बहरान ले जाते हैं यार, चली जाए, थोड़ी टेंशन नहीं होती कि इतने पैसे खर्च के भी 2x4 मिली। नहीं, आई ऑनेस्टली थिंक कि जो लोग 4x4 यहाँ पे लेते हैं वो क्यों लेते हैं मुझे नहीं पता। ज्यादातर लोग बस आई थिंक बैज के लेते हैं कि हमने 4x4 खरीद लिया, कोई यूज तो नहीं है। 4x4 तो बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आपने करनी हो तो उसके लिए आई थिंक है। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी यूज फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाइए, अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे, गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि 200 प्लस पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी का कंप्लीट सस्पेंशन, इंजन, बॉडी, मैकेनिकल आपको जो है ना 100% जो रिपोर्ट आपके घर बैठे हुए डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 0422111943357 पे कॉल करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मैं और बिलाल एक वीडियो कर रहे हैं ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जो वीडियो आपको बिलाल के चैनल वीडियो वाली सरकार के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक जो है चैनल का वो भी मैं आपको लगा दूंगा नीचे। अगर आप टेक रिव्यूज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो ये रिव्यू डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज के रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदुन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। On Pop Beat.